गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप सभी लोग सोनी लाइव एप्लीकेशन में अपनी आईडी बना पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप सभी लोग सोनी लाइव एप्लीकेशन में अपनी आईडी बनाना चाहते हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको सोनी लाइव एप्लीकेशन को सबसे पहले ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको सेलेक्ट योर जेंडर, आपको सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको दोस्तों अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ लिखना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके फ़ोन में एक OTP आ जाएगा जिसको आपको कुछ इस तरीके से फिल कर देना है। ओके, तो जैसे ही फिल करेंगे तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आपकी आईडी जो है बन चुकी है। तो इस तरीके से आप जो है इसमें अपनी आईडी बना सकते हैं। और अगर आप चाहे तो यहाँ पे आप जो है अपना फ़ोटो भी लगा सकते हैं और वगैरह वगैरह यहाँ पे आप जो है एडिट कर पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप जो है इस एप्लीकेशन में अपनी आईडी बना सकते हैं, जिसके बाद दोस्तों आपको कोई सा भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो आप जो है यहाँ पे अपना फ़ोटो भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है सोनी लाइव एप्लीकेशन में अपनी आईडी बना पाएंगे। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।